नीम का थाना कोतवाली थाना अंतर्गत छावनी स्थित गुज्जर कॉलोनी में वार्ड नंबर 15 में एक मकान से खून बहता देखकर वार्ड के लोगों ने हंगामा कर दिया। क्षेत्र में अफवाह फैल गई कि मकान में किसी का मर्डर हो गया है। इसमें आसपास के मोहल्ला वार्ड के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनास्थल की जानकारी ली। किराए के मकान में रह रहे एक युवक को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि सीकर निवासी मुकेश, जो कि टोडा गांव के पीएनबी बैंक में कार्यरत है, वो रविवार को कमरे पर आया था। इस दौरान उन्होंने वहां पर शराब पी। शराब के नशे में वो किचन में गया और वहां उसका हाथ शीशे से लगने से उसका हाथ कट गया, जिससे कमरे में चारों तरफ खून ही खून हो गया। और सुबह जब उसका दूसरा साथी आया तो उसे अस्पताल लेकर उसका इलाज करवाया। इसके बाद से कमरे को बिखरा और खून के धब्बे धो दिया और वहीं खून बहता देख लोगों ने हंगामा कर दिया। वार्ड के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। अब बढ़ते हैं आगे।